इन्हें वरदान लगा था कि आप उस गुफा के अंदर सोना, लेकिन आपको जो कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो जब पहुंचे भगवान ने अपना पीतांबर लिया और लेकर के मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया, स्वयं गुफा में अंदर पहुंचे, काले बनाया, उसने विचार किया कि ये तो कृष्ण है, इतनी जल्दी तो नहीं सो सकता, कस के लात जमाई है, बोले हमसे छल कर रहा है, अरे मैं तो जानता हूँ कि तू अभी अभी आया है, इतनी जल्दी सो गया। जैसे ही लात जमाई, मुचकुंद जी के नेत्र खुले हैं तो काले भंजन करके भस्म हो गया। जब काले भंजन करके भस्म हुआ, भगवान बाहर आए, भगवान को देख के मुचकुंद जी पूछने लगे, प्रभु ये कौन है और आप कौन है? भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, बोले कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है, मैं दर्शन नहीं दे पाता भक्तों को, और कभी कभी बिना कहे पहुंच जाता हूँ। जन्म कर्मा विधानानि संति मे अज्ञ सहस्राणा न संकमन्ति सुखं संख्यातम तत्वा न्यायापि। जवाब दिया कि ये जन्म कर्म, मरना जीना, ये सब कर्मों के अनुसार है। इंसान कैसे कर्म करता है, किसी किसी को मैं पूरे जीवन पर्यंत तक दर्शन नहीं दे पाता। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है, एक समय बाबा नारद घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक मोची, समझते हो ना, जो जूते चप्पल ठीक करता है, वो मोची बैठा हुआ भगवान का भजन भी कर रहा और अपना काम भी करता जा रहा। तो नारद बाबा निकले, मोची ने बाबा से कहा कि बाबा प्रभु से ये पूछना, मुझे बरसें बीत गई, मैंने बड़ा भजन किया, वो मुझे दर्शन कब देंगे, वो मुझे दर्शन कब देंगे? बोले ठीक है, पूछ के आऊंगा। आगे बढ़े बाबा नारद, तो आगे जाकर के महाराज एक संत जी को बरसे हो गई थी तपस्या करते करते, तो संत जी ने बाबा नारद से कहा कि मेरी बात पूछ लेना, मुझे प्रभु दर्शन कब देंगे। अब दोनों की बात लेके बाबा नारद पहुंचे भगवान के पास में, बोले प्रभु एक तो मोची था, उसने कहा कि आप उसे दर्शन कब दोगे, बड़ा भजन किया, और एक थे संत, उन्हें भी वर्षे बीत गई, उन्हें आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान बोले मोची और संत से ये कह देना कि जो पीपल का पेड़ खड़ा है उनके सामने, उस पे जित पर पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उनको दर्शन दूंगा। अब पीपल के पत्ते कितने होंगे, हजारों लाखों, इतने जन्मों के बाद। बाबा नारद वापस आए, बाबा नारद ने कहा संत जी से कि महाराज वृक्ष पर जितने पत्ते हैं आपको उतने दिन बाद दर्शन होंगे। संत जी ने विचार किया कि ऐसा कहा है प्रभु ने कि जितने पीपल के वृक्ष पर पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन होंगे, तो क्या फायदा इतना भजन कौन करे। महाराज संत जी ने अपना बोरिया बिस्तर
कर उठाया, बोले इससे तो अच्छा ये है कि गृहस्थ जीवन बिताएं, इतने वर्षों कौन इंतजार करेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और सीधा गृहस्थी में जाके लग गए। अब आया मोची का नंबर, तो मोची से कहा बाबा नारद ने कि भैया भगवान ने ये कहा है कि जितने इस वृक्ष पर पीपल के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको दर्शन होंगे प्रभु के। अरे अब तो मोची नाचने लगा, पीपल पर चढ़ता फिर नीचे आता, फिर चढ़ता फिर नीचे आता। बोले कम से कम ये तो बोला है कि इतने जन्मों के बाद दर्शन हो जाएंगे, ये मेरे लिए खुशी की बात है। नाचने लगा, गा रहा है, पीपल पर चढ़ रहा फिर उतर रहा, फिर चढ़ रहा फिर उतर रहा। तब तक भगवान ने आए की कलाई पकड़ ली। जो कलाई पकड़ी बाबा नारद वहीं पे खड़े, बोले बड़े बेईमानो आप भी झूठ बोलते हो। अरे अभी तो हमसे कहा था कि इतने वर्षों के बाद दर्शन दोगे और आप तो अभी आ गए, अभी तो 5 मिनट नहीं हुए। भगवान बोले यही तो बात है। वो एक संत जी थे जिन्हें लगा कि इतने जन्मों के बाद दर्शन होंगे तो क्या फायदा, और एक ये है जिसे पता चल गया कि मैं इतने जन्मों के बाद आऊंगा तब भी ये नाच रहा है तो मैं इसकी भक्ति पर प्रसन्न हूँ और मैंने इसलिए इसे दर्शन दे दिए। तो पता नहीं वो कहाँ और किस चीज पर रीत जाए। बोली गोविंद भगवान की, भैया प्रभु ने समझाया, आशीर्वाद दिया। जरासंध ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगवाई है, तो भगवान वहां से कूदे। उन्होंने समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है जिस नगरी का नाम है द्वारिका। क्या नाम है? भागवत रहस्य का प्रमाण है बुजुर्गों, द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। सभी को लेकर के भगवान वहां पहुंचे। बड़ी प्रसन्नता, भगवान के बड़े भैया हैं जिनका नाम है बलराम, उनकी शादियां आई हैं। तो भगवान का पहला विवाह, जो बड़े भैया हैं उनका विवाह आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात बालेति परोदितम। आनर्त देश के राजा आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नातिन है रेवती। वही रखो वही रखो, उधर ही गर्मी ज्यादा हो रही है। अरे नहीं, ये भाइट कुर्ते हैं पसीने में बेकार हो जाएंगे, यही लगवाओ। लगा तो भाई उधर ही। भैया कहते हैं कि रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। अब भगवान का पहला विवाह कब कैसे कहां पर वो किसके साथ में हुआ है। भगवानं भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानं राक्षसेन विधानेन उपए इति श्रुतम। विदर्भ देश के राजा जिन्हें बताया जाता है कि कुंदनपुर के भी राजा कहते हैं, जिन्हें राजा भीष्मक, उनके लड़कों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बड़ी सुंदर है दिखने में, और धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है। बुजुर्गों एक दिन की बात है, रुक्मिणी छिपा छिपी का खेल खेल रही है, तो
रुकमणी की जो सखियां हैं वो ढूंढ लेती हैं। बोली बहना जब खेल में आनंद ना आवे पता नहीं चलता, तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू इतनी सुंदर है। तो रुकमणी एक बात कहती है मुस्कुरा के कि हे देवी ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है और ये तो महिमा राम की जमे हमरा क्या सुंदर है। Touch me।